क्या आप जानते हैं कि बॉब प्रॉक्टर के बताए गए ये 7 रूल्स, जिसको अगर आपने अपने जीवन में इस्तेमाल कर लिया तो मेरी बात मानो, आप नेगेटिव सोच से बाहर निकल जाएंगे। चाहे बात आपके सबकॉन्शियस माइंड की हो या फिर आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये पूरी तरह से तभी काम करता है जब आप अपने भीतर को कंट्रोल कर पाते हैं, आप अपने भीतर चल रहे विचारों को समझ पाते हैं। इनफैक्ट आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं। आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स से ही आपके पास रियलिटी क्रिएट होती है। नेगेटिव सोच हमारे दिमाग के लिए सबसे खराब आदत है, सबसे घातक चीज है, सबसे बुरी चीज है, और आप इस आदत को बदल सकते हैं। लेकिन कैसे, इसे ठीक से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर समझिए। स्टेप 1, पहली बात यह है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज को देखें, क्योंकि आपके बॉडी लैंग्वेज से ही आपके सोच पर फर्क पड़ता है। आपका बॉडी लैंग्वेज आपके एटीट्यूड को दर्शाती है, क्योंकि इसी एटीट्यूड के साथ आप बाकी के लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं। अगर आपका एटीट्यूड खराब रहेगा, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं रहेगा, तो आप उस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, हाई वाइब्रेशंस वाले लोगों के साथ मेल जोल नहीं बढ़ा पाएंगे। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें, क्योंकि आपका गलत बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को भी डाउन करती है, और जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो आपके भीतर नेगेटिव थॉट्स बनने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, मैं बड़े लोगों के साथ बात कर पाऊंगा या नहीं, और आपके भीतर एक कॉन्फिडेंट नहीं बन पाता है, और यही कॉन्फिडेंस की कमी आपके भीतर नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, और उसी नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स हावी होने लगते हैं। इसलिए जितना ज्यादा हो सके मुस्कुराइए। स्टेप 2, दूसरी बात यह है कि अपने सोचने का तरीका को आपको बदलना होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके गलत सोचने के तरीके से ही आपके भीतर एक नेगेटिविटी डेवलप होती है, और यही नेगेटिव थॉट्स जो आपके गलत सोचने की वजह से आया, इन्हीं थॉट्स की वजह से आप अपने एनवायरनमेंट की नेगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने सोचने के तरीके को बदलिए। ऐसे कोई भी शब्दों का उपयोग नहीं करें जिससे आपके भीतर एक नेगेटिविटी क्रिएट होती हो। अब यहां पर बात यह आती है कि किस तरह के नेगेटिव वर्ड्स हैं जिसको मैं प्रायर ना बोलूं, इनफैक्ट जिसको मैं सोचूं ही नहीं। इसे ठीक से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुश्किल में हूं, मेरा समय खराब है। उसके जगह में आप ये बोल सकते हैं कि मैं उन चुनौतियों का सामना कर रहा हूं जिसको मैंने कभी नहीं किया। अगर मैं इन चुनौतियों का सामना नहीं करूंगा तो मेरे भीतर अनुभव कैसे आएंगे। इसीलिए मैं मुश्किल में हूं, मेरा समय खराब है, इसके जगह में ये आप बोल सकते हैं कि मैं अभी जो काम कर रहा हूं वो कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, इसे मैं कर सकता हूं, इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं, मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है क्योंकि मैं इसको करने में कैपेबल हूं, तभी तो मुझे ये काम मिला है। इस तरह के वर्ड्स आप अपने जीवन में उपयोग करें, क्योंकि आपका हर एक वर्ड बहुत पावरफुल होता है। स्टेप नंबर 3, इस स्टेप में मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि जिस काम से आप प्यार करते हैं, जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, आपके दिमाग में खुशी मिलती है, उस काम को करिए। सपोज आप कोई भी ऐसे काम कर रहे हो जो थोड़ा टफ है, थोड़ा कठिन है, और आपको उस काम को करने वक्त कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं, तो उस वक्त आप उस काम को छोड़कर दूसरे काम में मूव हो जाइए, और कुछ समय के लिए उस काम को कीजिए जिस काम को करना आसान है, जिस काम को करने से आप खुशी महसूस करते हैं, जिस काम से आप प्यार करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय के लिए आप अपने आप को बिजी कर ले वैसे कामों में जिस काम को करने से आपके भीतर पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनते हो, आपके भीतर पॉजिटिव फीलिंग्स बनते हो। ऐसा करने से आप अपने भीतर के ऊर्जा लेवल को और बढ़ा सकते हैं, और फिर जब आपको लगने लगेगा कि आपके ऊर्जा लेवल बढ़ चुकी है, तो आप फिर उस काम में मूव कर सकते हैं जिससे आपने छोड़ दिया था। स्टेप नंबर 4, चौथी बात यह है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसे आपने समझ लिया तो आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपके पास खुशियों का अबंडेंस होगा, मनी का अबंडेंस होगा, और वो ये है कि अपने दिमाग में आप उन बातों को लाइए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं। अपने उन सारी चीजों को याद करें जो आपकी जिंदगी में हुई है, जो भी घटना से आप गुजरे हैं, जो अच्छी घटना है उन्हें याद करें।
उन्हें सोच सोच कर हंसे, मुस्कुराइए और अच्छा महसूस करिए। ऐसा करने से आपके भीतर नेगेटिव सोचने की गलत आदत धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। आप अपनी जिंदगी में ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करने लगेंगे, ना कि उन्हें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ उन्हीं चीजों को आकर्षित करेंगे जिन्हें आप चाहते हैं। बस आपको ग्रेटिट्यूड की टेक्निक को अपनाना है, ग्रेटिट्यूड करना है, थैंकफुल रहना है सभी के प्रति, सभी घटनाओं के प्रति, सभी लोगों के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति, अपने एनवायरमेंट के प्रति, अपने वर्क कल्चर के प्रति आपको ग्रेटफुल रहना है। इससे ये होगा कि आपके भीतर खुशियों का अबंडेंस 24 आवर रहेंगे और इससे आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस बना रहेगा। स्टेप नंबर 5, देखिए ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स उस समय आते हैं जब आपके दिमाग में उस चीजों को लेकर कोई फीलिंग, इमोशंस या उनसे जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है। मेरा बोलने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फीलिंग्स को, कोई भी इमोशंस को आप अपने भीतर ना रखें। इसीलिए आप एक पेन और पेपर उठाइए और उन सभी फीलिंग्स को, उन सभी इमोशंस को उसमें लिखना शुरू कीजिए जिसके वजह से आप नेगेटिव फील कर रहे हो। उन चीजों को लिख दे, क्योंकि जब आप लिखने लगेंगे तो आपके वो फीलिंग्स बाहर निकलने लगेंगी, वे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलने लगेंगे और बाहर के वाइब्रेशंस कुछ और ही है। जाहिर सी बात है, जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो बाहर के वाइब्रेशंस आपकी तुलना में ज्यादा है, क्योंकि आपके भीतर की वाइब्रेशंस कम हो चुकी है। इसीलिए उस विचार को कॉपी पेपर में लिखिए, अपने से बाहर निकालिए और ऐसा आप तब तक करिए जब तक आपके फीलिंग्स उन चीजों को लेकर ठीक ना हो जाए। ऐसा करने से आप खुद को बहुत शांत बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, ये आपने अक्सर देखा होगा कि आपके नेगेटिव थॉट्स उसी वक्त आते हैं जब कोई भी काम आपके हिसाब से नहीं हुआ है। सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप अपने एक रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन आपके पीछे वाली गाड़ी किसी भी वजह से आपको ओवरटेक किया और आपको रास्ता नहीं दिया, तो उस वक्त आप इरिटेट होते हो क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चला। आप जैसा सोच रहे थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए आपके भीतर इरिटेशन महसूस होने लगती है और उसी इरिटेशन की वजह से आपके वाइब्रेशंस गड़बड़ाने लगते हैं, आपके वाइब्रेशंस नेगेटिव होने लगते हैं। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि उस वक्त जब आप कुछ देर के लिए शांत हो जाते हो तो आपके वो इरिटेशन समाप्त हो जाते हैं, आपको शांति का अनुभव होने लगता है। आप सोचने लगते हो कि जाने दो, वो समझदार नहीं था इसलिए उन्होंने दूसरे के फीलिंग्स को नहीं समझा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये विचार आपको कुछ देर के बाद आती है, आपके भीतर नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होने के बाद आती है, लेकिन आपने कुछ पल के लिए इरिटेशन महसूस किया। इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हर दिन अपने मन को कम से कम 5 मिनट तक शांत रखने की कोशिश करें। हर दिन हमारे दिमाग में लगभग 70,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं, इसलिए आप दिन में थोड़ी सी समय निकालें, अपने दिमाग को देखने का समय, अपने माइंड को परखने का समय, अपने आप को परखने का समय। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को देखने लगते हैं तब आपके भीतर विचार कम होने लगते हैं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि हम अपने दिमाग को कैसे देखें। इसका सिंपल सा तरीका है, आपको अपने सांसों पर ध्यान देना है। जब आप अपने सांसों को देखने लगते हैं तब आप बाहर के विचारों को छोड़ने लगते हैं और थोड़ी देर के लिए आपके सभी विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उस वक्त आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस फिर से डेवलप होने लगता है। आप अपने भीतर खुशी महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे आप उन सभी नेगेटिव चीजों को लेकर अवेयर हो जाते हैं। स्टेप 7, आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने हर दिन में आप अपने एनवायरमेंट से थोड़ा बाहर निकलिए, जहां पर आप केवल अकेले हो। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए इन 7 स्टेप्स को अपने जीवन में अपनाएं, इसे बहुत डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करें। अल्टीमेटली आपका एम होना चाहिए कि आप अपने भीतर खुशियों का अबंडेंस कैसे लाएं। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अपने भीतर खुशियों का अबंडेंस ले आते हैं, तब आप इस यूनिवर्स को ये शो करते हैं कि आप बहुत खुश हैं और आप उन सभी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिन्हें आप चाहते हैं, तो ये यूनिवर्स आपके साथ उस तरह के मोमेंट क्रिएट करेंगे, आपके जीवन के साथ वैसे घटनाएं लाएंगे जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते हो, जिन्हें आप सिर्फ सपनों में देखे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।